मखाना कटलेट। मीडियम फ्लेम पर 2 कप मखाने रोस्ट करेंगे। मखाने मतलब कमल के रोस्टेड बीज। ये बहुत हेल्दी होते हैं। मखाना कटलेट व्रत के लिए बेस्ट ऑप्शन है। मखाने रोस्ट हो चुके हैं। ये देखिए, मखाना इस तरह क्रश होना चाहिए। इसका मतलब मखाने अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। मखानों को मिक्सी जार में डालकर पाउडर बना लेंगे। ये 4 मीडियम साइज के आलू स्टीम पर बॉईल करके कद्दूकस कर लिए हैं। इसमें रोस्टेड मखाने की पाउडर, 1/2 कप रोस्टेड दरदरी कूटी हुई मूंगफली, 2 कूटी हुई हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून रोस्टेड दरदरा कूटा जीरा, 2 टीस्पून नींबू का जूस, 2 टेबलस्पून समा चावल का आटा और स्वादानुसार सेंधा नमक ऐड करेंगे। ये सब अच्छे से मिक्स करेंगे। समा चावल का आटा ऑप्शनल है, लेकिन इससे मिश्रण को अच्छी बाइंडिंग मिलती है और कटलेट क्रिस्पी होते हैं। आपके यहाँ व्रत में जो भी चीज ना चलती हो उन्हें स्किप करें। देखिए, मिश्रण रेडी है। एक डिश में तिल लेंगे। अब मिश्रण में से छोटे नींबू जितना मिश्रण लेके कटलेट का शेप देंगे और तिल से कोट करेंगे। तिल से कटलेट क्रंची होते हैं। इस तरह सारे कटलेट बना लेंगे। साबूदाना वड़ा, पकोड़ा, पराठा या फिर कटलेट करते वक्त आलू हमेशा सिर्फ स्टीम पर ही बॉईल करें। स्टीम पर आलू बॉईल करना मतलब कुकर के डिब्बे में धुले आलू बिना पानी के रखकर और ढक्कन लगाकर बॉईल करना। इस तरह से आलू बॉईल करने से आलू में पानी की मात्रा नहीं होती। इससे हम जो भी रेसिपी करते हैं वो चिपचिपी नहीं होती। और एक बात का ध्यान रखें, आलू ठंडे होने के बाद ही रेसिपी में यूज करें। सारे कटलेट रेडी है। दी हुई सामग्री में लगभग 12 कटलेट बनते हैं। शैलो फ्राई करेंगे। अब वक्त हो चला है सब्सक्राइबर शाउट आउट का, जो हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। शाउट आउट टू प्रणीता बोरकर, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अगर आप अपना नाम अगले सब्सक्राइबर शाउट आउट में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पैन में तेल गर्म हो चुका है। इसमें कटलेट डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर कटलेट दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। अगर आप चाहे तो कटलेट डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये कटलेट बहुत टेस्टी लगते हैं। एक बार जरूर ट्राई करें और कैसे बने थे ये कमेंट करके जरूर बताएं। ये देखिए, क्रिस्पी और टेस्टी कटलेट रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।